आज हम लोग आ गए अपने ड्यूड असेंबली में। और गाइस मैंने डिस्कवर किया नेदर फोर्ट्रेस और मैंने बना लिया है फाइनली अपना ये अल्ट्रा मेगा इपिक मॉब ग्राइंडर। अब इस मॉब ग्राइंडर के पास जाते ही यार मेरी गेम काफ़ी ज़्यादा लैग करने लग रही है, क्योंकि यार इसमें इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं और स्पेशली क्रीपर स्पॉन हो रहा है ये देखो। इसलिए मैंने यहाँ पर सेफ्टी अपना पहले से बना कर रखा है कि मैं दूर से इनका खात्मा कर सकूं, और हॉपर वाला सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा है। तो एक टाइप से हमारे पास इन्फिनिट, और एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर ड्रॉन भी स्पॉन हो रहा है। क्या मैंने पानी लगाया इसीलिए यहाँ पर ड्रॉन आ रहा है? जस्ट कॉज मैंने पानी लगाया इसीलिए ड्रॉन आ रहा है? वेल आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि यार हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिट ट्राइडेंट फार्म, और हम भाई जितना चाहे उतने ट्राइडेंट्स ले सकते हैं और उन्हें जितना चाहे उतना चाहे इंचेंट कर सकते हैं। तो गाइस मेरे को बस डर है क्रीपर से, तो क्रीपर के लिए मैं हमेशा ये वेपन लेके चलूंगा, क्योंकि इसके सामने क्रीपर ओके मेरा एमिंग अच्छा नहीं है, वरना तो यार क्रीपर भी फेल है इस वेपन के सामने। देखा गाइस वन शॉट किल ऑफ क्रीपर। तो गाइस अभी यहाँ से मैं लेने वाला हूँ अपना रिपटाइड वाला ट्राइडेंट, और मैं यहाँ पर मतलब रहने वाला हूँ थोड़े देर के लिए एएफके। अब गाइस एएफके होऊंगा तो मॉब्स स्पॉन होंगे, और मॉब्स स्पॉन होंगे तो एक्सपी भी मिलेगा। और गाइस नेदर फोर्ट्रेस से जो भी लूट मिला था उससे मेरे को ब्लेज पाउडर मिल गया, और उसी दिन बातों बातों में मुझे मिल गया 2 विदर स्कल। इसका मतलब अब हम लोग पोशंस बना सकते हैं और उसको मार सकते हैं विदर बॉस को। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को जाना है सीधा अपने सीक्रेट रूम में, तो मैं वहीं मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस यार मैं आ चुका हूँ अपने एक्सपी फार्म पर, और शायद इस तरफ मेरे ट्राइडेंट्स बने होंगे। तो ये तो लॉयलिटी वाला है, ये मेरे को नहीं चाहिए। ये इम्पेलिंग वाला है, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। ओके ये रखा इस अपना रिपटाइड वाला ट्राइडेंट, जल्दी से इसको लेकर चलते हैं और ये एरो को इधर रख देते हैं। तो गाइस अभी मैं यार मैंने हर चीज़ ले ली है, और सोल टॉर्च मैंने उस फोर्ट्रेस में ही क्राफ्ट कर ली थी। तो यहाँ पर मेरे को नहीं जाना है, मैं एक बार अपना ये वाला नेदर ट्राई करता हूँ, क्योंकि यार कुछ दिनों से ये काम नहीं कर रहा था। ओके ये तो काम कर रहा है परफेक्टली। अब मुझे वापस से इसी पोर्टल के अंदर जाना है, ताकि मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ जाऊँ। अगर यार सीक्रेट बेस का रास्ता मैंने रिवील कर दिया यूट्यूब पर, तो भाई बहुत सारे लोग जो SMP में हैं वो मेरे सीक्रेट बेस तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो मेरे सीक्रेट बेस तक पहुंच सकते हैं तो फिर वो मेरे डायमंड्स इजीली हथिया सकते हैं। और मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा डायमंड्स है इस SMP में, मैं सबसे अभी अमीर हूँ। और गाइस SMP में जो 2 न्यू मेंबर्स आए थे, उन लोगों ने अपने घर SMP से थोड़ी दूरी पर बना रखे हैं। अगली वीडियो में यार मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है अपने कॉबलस्टोन जनरेटर के पास। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ यार कितने मॉब स्पॉन होते हैं इस टावर में। ओके गाइस अभी तो मैं आ चुका हूँ, अब बस मेरे को थोड़ी देर यहाँ पर AFK रहना है, या फिर मुझे ऐसे ऐसे बस गोल गोल घूमते रहना है, ताकि यहाँ पर भाई काफ़ी मॉब समन हो जाएगी, और जब काफ़ी मॉब समन हो जाएगी तो मैं आपसे मिलता हूँ। और गाइस क्या आप देख पा रहे हो कि यार मेरी गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, क्योंकि यार इस XP फार्म में इतने मॉब स्पॉन होते हैं अगर मैं यहाँ पर गोल गोल घूमूँ तो, और मुझे नहीं पता ये क्यों, लेकिन ये अपने एंटीलिया मतलब जो सर्वाइवल सीरीज वाला XP फार्म है उससे भी ज़्यादा एपिक XP फार्म है। और गाइस अगली वीडियो में हो सकता है कि यार हम लोग न्यू सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर दे, तो सब लोग देख लेते हैं। और हाँ एक बात कि यार 995 लोग हमारे चैनल को विजिट करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं दबाते। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब दबा दो यार, जिन जिन ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर यार 995 व्यूज़ है तो यार सब्सक्राइबर्स उससे
थोड़े से कम तो होने ही चाहिए, 16 तो बहुत कम है। तो गाइस कम ऑन यार, एटलीस्ट सब्सक्राइब दबा दो यार। ओके गाइस, अभी मैंने बहुत देर AFK हो लिया है और यहाँ से मैं चलता हूँ। भाई डैमेज कैसे हो गया यार, मैं पानी के ऊपर लैंड किया था, पता नहीं गाइस। मेरी क्लचिंग वचिंग को छोड़ो, मुझे उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ क्लचिंग वचिंग में, लेकिन आप लोग देखो मॉब कितने ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं, गेम मेरी कितनी ज़्यादा लैग कर रही है, और मैं जिन जिन को मार सकता हूँ उन मॉब्स को मैं यहाँ से बैठ बैठे टपकाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर क्रीपर फूट गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और भाई मेन डर है क्रीपर से, क्योंकि यार क्रीपर फूट गए तो भाई मॉब्स तो स्पॉन होते रहेंगे, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है इसके सामने, इसलिए जितना हो सके ना मैं तो भाई उतना संभाल के रहने वाला हूँ। ओके गाइस यार, अभी मेरी XP 35 हो चुकी है और सामान देखो, इन्फिनिट पोशन फार्म, इन्फिनिट ट्राइडेंट फार्म, जो एक ट्राइडेंट यहाँ पर मिल भी चुका है। और गाइस नेदर फोर्ट्रेस अगली वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, शुगर की तो हमें मतलब कोई कमी नहीं होने वाली, पेपर की भी कोई कमी नहीं होने वाली, सामने जो पेपर फार्म है। तो गाइस मैं 5 सेकंड के लिए AFK हुआ और इतने ज़्यादा मोब्स आए कि देखो आधा से ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सामान तो मेरे पास ही आ गया है, तो हम लोग चाप से इसे डाल देते हैं हॉपर में। और यहाँ पर ये स्पाइडर कहाँ से आ गई, वो स्पाइडर, एक शॉट किल स्पाइडर भी। गाइस मेरे स्वॉर्ड और क्रोसबो से कोई नहीं बच सकता, ओके थोड़ी बहुत यार एंडर पल का तो जुगाड़ हो गया है, लूटिंग से मेरे को 4 एंडर पल मिल गई, तो अगर मैं इस हिसाब से 4 एंडर मैन मारूंगा तो मेरे को एक स्टैक एंडर पल तो मिल ही जाएगा आराम से, क्या बोल रहा हूँ मतलब समझ रहे, छोटी उंगली के खेल से मिल जाएगा। तो गाइस आज की यार इस वीडियो में तो यार इतना ही, फटाफट से हमने जो भी मतलब सामान कलेक्ट किया उसे रख देते हैं यहाँ पर, क्वार्ट्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, गोल्डन एप्पल ले लेते हैं अपना। और अगर हम लोग कल नेदर जाने वाले हैं तो नेदर में काम आएगी है एंडर पल्स, तो ना वाटर बकेट काम आएगी, ना रिप्टाइड वाला ट्राइडेंट काम आएगा, और गोल्डन एप्पल भी काम नहीं आएंगे, हमें काम आएंगे एंडर पल्स। तो ओके यार सर, अभी नेदर के लिए भी सामान तो इकट्ठा कर लिया है, और एक बार यार तुम टेक्सचर देखो ग्लास का, कनेक्टेड ग्लास यहाँ पर नहीं दिखेगा ना अच्छे से, यहाँ पर थोड़ी दिखेगा, कोई दूसरी जगह पर लेके जाऊँगा, लेकिन पहले तो यार ऊपर चलते हैं और एक चक्कर भी मार लिया। हाँ और हम लोग आ चुके हैं अपने वेयर हाउस के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पर तुम्हारा भाई सोता है, चेस्टों को देखता है, चेस्टों पे सोता है, और मेरा पॉइंट सेट करना है बीच वाले बेड पर। अब यार पहले तो मैं यार अपने शुगर केन फार्म का इस्तेमाल कर रहा था शुगर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, लेकिन अब यार शुगर की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेरे उसमें मैंने देखा हस्क भी स्पॉन हो रहे हैं, ड्राउन स्पॉन हो रहे हैं, विथ स्पॉन हो रही है, क्रीपर हो रहे हैं, ज़ॉम्बी हो रहे हैं, स्केल्टन हो रहे हैं, स्पाइडर हो रहे हैं, तो ठीक है। तो गाइज